दोस्तों आप सभी देशवासियों का फिर से स्वागत है, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? और हम ठीक है। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है और हम जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये पेड़ पौधे अभी लगाने जा रहे हैं और आगे आपको प्रीति दिखाएगी कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ पौधे लगाएंगे, सारा कुछ आपको विवरण हम वीडियो के द्वारा देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये पेड़ पौधे हमने रख दिए हैं बाइक पर, अब ये दोनों लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हुए घर से जंगल की तरफ जाते हुए, और ये हमारी फौज आती हुई अब हम जा रहे हैं, वो बाइक पर निकल गए, अब हम उनके पीछे पीछे। और ये हमारे यहाँ का मौसम आप सभी देख सकते हैं, काले काले बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आके लग भी चुके हैं, पेड़ लगाने की तैयारी में हैं, ये फावला लेकर लगे हुए हैं यहाँ पर। पेड़ लगाना बहुत ही पुण्य का काम है क्योंकि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। और आजकल लोग बाग जो है पेड़ काटते चले जा रहे हैं जिससे कि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए यहाँ पे अभी फिलहाल 5 पेड़ हम लगाएंगे। हमारी मुंजी की पौधे, मुंजी की पियोद में देखो कैसे कुश्ती लड़ रहे हैं, ये देखो आप इनको, इन्होंने हमारी सारी पियोद खराब कर दी। ये भी सुहाने मौसम का मजा लेते हुए ले रहे करकट्टा, यहाँ करे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं जरूर बारिश हो रही है, हसीन मौसम। तो भाई पेड़ निकाल लो इसमें से एक। ये है बेल पत्थर का पेड़ जिसका शहरों में अक्सर गर्मियों के अंदर जूस पिया जाता है। आप भी हमारे यहाँ आइएगा, आने वाले टाइम में बेल पत्थर का जूस पिएगा जरूर, आपको ठंडा ठंडा पिलाएंगे हम। ऑर्गेनिक। अब ये यहाँ पे इसको लगाएंगे, इससे काट लेना ले पाउडर किससे हो गया। और ये हमारा पेड़ यहाँ पे लग चुका है, छोटे वाले हाँ ये ना लगा दे, हटा दे थोड़ा सा, ऊपर को कर लेना, निकल निकल देगी पानी रुक जाए जिससे बारिश का। अब ये देखिए हम इस पेड़ को लगाकर अभी इसमें पानी दे रहे हैं। अब ये यहाँ उधर की तरफ दूसरा पेड़ लगाने की तैयारी, इससे हम यहाँ गड्ढा करेंगे और फिर इसमें, और ये है गड्ढा करने वाला यंत्र, हाँ इससे आसानी से पेड़ पौधे लग जाते हैं, इसको बोलते हैं बरमाई, हमें मुकुल ने बताया जिसका कि हमें नाम नहीं मालूम, जिसकी आज हमें जानकारी हुई और आपको भी हम बता रहे हैं, इसको कहते हैं बर्मा जाते हैं, ये बर्मा है पेड़ लगाने वाला बर्मा। तो भाई ये खुद गड्ढा करके देख रही कैसे होता है इससे। गाइस देखो अब हम यहाँ पर गड्ढा कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेल का एक और पेड़ लगाएंगे। मुकुल ले आ पेड़, हो गया आ जा। देखो अब हमारा यहाँ पे गड्ढा दिखाओ, गड्ढा हो चुका है। तो इधर हम लोग देखो हमने कितना वाले हैं, लेकिन आम तक हमारा डंडा नहीं पहुँच पा रहा है, बड़ा गड्ढा किया है। गाइस अब हम आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये हमारा डंडा है ना, ये इतना लंबा ही नहीं है, आम तक पहुँच ही नहीं पा रहा, आम इतनी ऊपर है, दिखाना फोकस करके रखा हम है। चलो पेड़ लगाओ भाई। तो भाई अभी ये दोनों इस पेड़ को लगाएंगे और लगा रहे हैं दोनों मिलके भाई बहन, और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहो बच्चों। देखो गाइस अब हमारा यहाँ पे पेड़ लग चुका है, देखो
अच्छा यहाँ पे भी पौधा लगाया जा रहा है? हाँ यहाँ पे लास्ट पेड़ हमारा पांचवा पेड़ वो लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ले भाई एक और पेड़, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है, जिम्मा उठा लिया है। अब जरूरी हम हरियाली में बदल देंगे इस धरती को। हाँ। अपने गांव को हरियाली में बदल देंगे। अब गाइस ये हमारे पेड़ लग चुके हैं, एक ये, एक ये और एक ये, एक ये पेड़ लगाया हमने यहाँ पर और एक यहाँ पर लगाया है। अब देखते हैं ये, इनकी देखभाल करेंगे रोजाना आकर हम यहाँ पर, थोड़े दिनों में ये हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं घर। अब ये हमारे पेड़ लगाने वाले चल रहे हैं। अब सब हमारा पेड़ लगाने का काम हो चुका है खत्म, और अभी हमने और पेड़ मंगाए हैं। जब हमारे और पेड़ आ जाएंगे उसके बाद फिर से हम और जगह पे पेड़ लगाएंगे जहाँ पे पेड़ कम है, ताकि पर्यावरण जो है बना रहे, ऑक्सीजन सबको मिलती रहे और हरियाली हमेशा कायम रहे। तो गाइस चलते हैं अभी और मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों आज का ये हमारा कार्य अगर आपको अच्छा लगा है और हमने अच्छा काम किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।